जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है फ्री स्टॉप वॉच। उसके बाद आपके पास जो ये वाला ऑप्शन आएगा, आपको ये देखना है free-stopwatch.com, इस वाले पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है इंस्टॉलेशन पैकेज। ये सिर्फ 2 MB का है, आपको इसको क्लिक कर देना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं। उसके बाद आपको सिंपली इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको जाना है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में जाने के बाद आपको डाउनलोड्स में जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका सेटअप। आपको इसको डबल क्लिक कर देना है और सेटअप को इंस्टॉल कर लेना है। यस कर देना है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट, क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो तो डेस्कटॉप पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर इंस्टॉल कर देंगे और फिर फिनिश कर देंगे। उसके बाद ये जो विंडो खुलेगा, आपको ये वाले को क्लोज कर देना है। उसके बाद आप इसको भी क्लोज कर लो। अभी मैं सब कुछ क्लोज कर देता हूँ। ये आपके सामने आ चुका है। आप इसको डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। ऑप्शंस में जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सो स्टॉप वॉच इन फ्लोटिंग विंडो। आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा। अब आप इसको चाहो तो छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जितना बड़ा चाहो जितना छोटा चाहो आप इसको कर सकते हो। और इसका फायदा ये है कि ये आपके डेस्कटॉप पे तैरता रहेगा, आप इसको जहाँ रखोगे वहाँ रखाएगा। आपको ये क्लोज नहीं करना है, अगर आप क्लोज करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो आपको इसको मिनिमाइज कर देना है। और इसके बाद आप यहाँ पे स्टॉप वॉच लगा सकते हो। अब देखो, अगर आप यहाँ से इसको प्ले करोगे तो ये प्ले हो जाएगा और वापस इसको स्टॉप करोगे तो स्टॉप हो जाएगा, यहाँ से रीस्टार्ट हो जाएगा। इसका आपको शॉर्टकट्स भी मिलेगा जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। इसको मैं साइड करता हूँ। स्टॉप वॉच में जाने के बाद आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स मिलते हैं, जैसे कि F4, F5, F3 और F2। F5 से रिफ्रेश हो जाता है और F3 से स्टॉप होता है, F2 से स्टार्ट होता है। जैसे कि मैं अगर इसे मिनिमाइज कर दूं और यहाँ पे अगर मैं F2 दबाऊं तो चालू हो जाएगा, F3 दबाऊं तो स्टॉप हो जाएगा, F5 दबाऊं तो रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शंस में और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे नाइट मोड करके रख सकते हो। उसके अलावा यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हो। यहाँ पे आपको मिनट और सेकंड शो करेगा। एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है जिसके लिए आपको जाना है ऑप्शंस में। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करते हैं टिक एवरी सेकंड। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे उसके बाद आप जैसे स्टार्ट करोगे तो ये टिक करता रहेगा हर सेकंड। आप इसको हटा भी सकते हो और इसमें कुछ खास नहीं है। आप इसको यहाँ से कर दो मिनिमाइज। उसके बाद आप इसको यहाँ पे सामने रखो और आप कभी भी इसको प्ले करो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप कोई भी PDF खोल लो, कुछ भी खोल लो, ये हमेशा आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आप ऐसे हटा सकते हो कि आप इसको यहाँ से कर दो क्लोज, ये हट जाएगा। उसके बाद आप वापस इस पे क्लिक करोगे तो वापस ये वापस आ जाएगा। आप फिर इसको मिनिमाइज कर देना और यहाँ पर आप इस तरह से काम कर सकते हो।